हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं का बैनर पोस्टर डिजाइन कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर जो डिज़ाइन देख रहे हो, इसका PLP फाइल और PNG दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस डिज़ाइन को, इस पोस्टर को, इस बैनर को कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, इस बैनर पोस्टर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो अपने पिक्सल लैब में आना है। आने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो मेरा PLP फाइल और PNG है उसमें पासवर्ड लगा है। पासवर्ड आपको वीडियो में तीन जगह पर बोल के बताया जाएगा, पासवर्ड 5 है, पासवर्ड 6 है, पासवर्ड 1 है, ऐसा करके तीन जगह पर बोला जाएगा। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, तभी आपको पासवर्ड मिलेगा, तभी आप इस डिज़ाइन को बना पाओगे। तो चलिए फटाफट टाइम में वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में 3 डॉट मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी का, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो अपने उस फोल्डर में जाना है जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया रहेगा। तो फोल्डर का नाम रहेगा दोस्तों गणपति बैनर करके, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे गणपति बैनर के नाम से फोल्डर आपको दिख रहा है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आपको अभी जो भी सारा यहाँ पर आप देख रहे हो बैकग्राउंड PNG, वही सारे आपको बैकग्राउंड PNG को आपको यूज करना है अपने इस बैनर को बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर जैसे मैं अपने बैनर का बैकग्राउंड उसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, यहाँ मेरा बैकग्राउंड आ चुका है। यहाँ पर आपको एक न्यू टेस्ट दिख रहा होगा, एक ही ऑप्शन में जाकर इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है और यहाँ पे आपको उसी फोल्डर में वापस से चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी सारा PNG है उसको एक एक करके यहाँ पे ओपन करके सेट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे गणपति का PNG ओपन किया, वहाँ पर मैं ऊपर लेयर के ऑप्शन लेकर इसको मैं लॉक कर देता हूँ, लेयर के ऑप्शन वापस से क्लिक कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं वापस से प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर मैं उसी फोल्डर में वापस से चले जाता हूँ। देखते हैं और क्या क्या PNG यहाँ पे गणेश चतुर्थी का PNG है, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं और कौन सा PNG बचा हुआ है। तो यहाँ पे एक ए वाला है नाम लिखने के लिए, जो मैंने PNG बनाया हुआ था वो वाला है, इसको भी मैंने ओपन कर लिया है। प्लस के ऑप्शन क्लिक करके मैं फ्रॉम गैलरी जाता हूँ और उस फोल्डर में वापस से जाता हूँ। पासवर्ड 1, तो यहाँ पे एक जो है एक डेट का PNG है, कितने तारीख को है गणेश चतुर्थी उसका PNG है। प्लस के ऑप्शन क्लिक करके मैं फ्रॉम गैलरी में जाता हूँ और उसी फोल्डर में मैं वापस से जाता हूँ। तो यहाँ पे और तो कुछ PNG नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे अपने बैनर को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं एग्जाम्पल के लिए समझा पाऊँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले मेरे बैनर में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरुम देव सर्व कार्यसु सर्वदा। तो ऐसा मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है कुछ। अगर आप लिखना चाहते हो तो प्लस के ऑप्शन क्लिक करके नया टेक्स्ट लोगे, यहाँ पर आपको EDD के ऑप्शन जाना है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे जो है चलिए लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वक्र। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा क्योंकि जो भी है वर्ड हिंदी में है, तो हिंदी में थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम ही होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर वक्र, यहाँ पर क्र ढूंढना पड़ेगा मुझे, क्र किधर है, यहाँ पर वक्र, और यहाँ पर लिखता हूँ आगे तुंड, यहाँ पर वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोठी समप्रभा, इतना तो आ गया। अभी इसके आगे का लिखना है, तो यहाँ पे इसके आगे का चलिए दोस्तों मैं आपको लिख के नहीं दिखाता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो इतना आपको लिख लेना है। जैसे अभी आपको अगर आप दूसरा कुछ भी लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरा नहीं लिखना है, आपको जो भी अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेट कर देना है, चले जाना है कलर के ऑप्शन पर, जो भी कलर आपको पसंद है कलर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर आप जो कलर बना भी सकते हो, जो भी आपको कलर पसंद है। जैसे मैंने रेड डार्क कलर कुछ इस तरीके से बनाया और ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करके मैं यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको चले जाना है फॉन्ट के ऑप्शन पे, जो भी आपको फॉन्ट पसंद है यहाँ पे आप उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं फॉन्ट को सेलेक्ट करके नीचे मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर अभी मैं चले जाता हूँ स्ट्रोक के ऑप्शन पर, इसको इनेबल कर लेता हूँ। स्ट्रोक में यहाँ पर मेरा ब्लैक कलर आ चुका है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ व्हाइट कलर। स्ट्रोक को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ऊपर राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप साइज छोटा बड़ा करके ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लिख के सेट कर लेना है। उसके नीचे अगर आप देखो तो मैंने लिखा है सभी गणेश भक्तों को, और यहाँ पे आपको वैसा लिखने के लिए इसी टेस्ट का मैं कॉपी ले लेता हूँ। एडिट के ऑप्शन भी आता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सभी गणेश भक्तों को सभी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गणेश भक्त यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ भक्तों, यहाँ पर मैं लिखा भक्तों और यहाँ पर लिखता हूँ को आगे
भक्तों को लिखा, मैंने डन के ऑप्शन क्लिक किया, ओके किया और यहाँ मेरा टेक्स्ट आ चुका है। इस टेक्स्ट का आप जो है कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो जैसा भी आपको अच्छा लगे। पासवर्ड 9, यहाँ पे आप जो है इसका बीच का स्पेस जो है लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन भी आ गया, इसको कम कर सकते हो। उसके बाद आपको राइट के ऑप्शन क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप जो है एलाइजन के ऑप्शन जाके इसको आप सेंटर में रख सकते हो या तो आप साइड में भी रख सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सेट कर देना है। उसके बाद आप नीचे आते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आपको जो है वैसा कुछ लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसी को कॉपी कर ले सकते हो आप। एडिट के ऑप्शन भी चले जाना है, जो भी यहाँ पे लिखा गया है उसको कट कर देना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है कि हार्दिक शुभकामनाएं, डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देना है, आपका टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसको भी सेट कर देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। जो भी आपका PNG टेक्स्ट रहेगा यहाँ पे मैंने दिया हुआ है गणेश चतुर्थी का, उसको भी आपको सेट कर लेना है, वो मैंने आपको सेट करके दिखा दिया हुआ है। बाकी लेयर के ऑप्शन जाना है, आपने जो भी सारे लेयर ओपन किया है सारे लेयर को लॉक कर देना है कुछ इस तरीके से और लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है। यहाँ पर अभी आपको अपना फ़ोटो लगा लेना है, जो भी आपने फ़ोटो रखा हुआ है अपने बैनर पोस्टर में लगाने के लिए। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ, ए वाला एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ए वाला फ़ोटो, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको साइज़ छोटा करके इसको मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो चलिए साइज़ में इसका छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर आपके फ़ोटो में ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट यूज करना है तो थर्ड ऑप्शन पर जाएगा, यहाँ पे आप जो है कलर फिल्टर के ऑप्शन पर जाना है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ जो आपको अपने यहाँ पे आप जो अपने फ़ोटो को थोड़ा सा ब्राइट और कॉन्ट्रास्ट दे सकते हो कुछ इस तरीके से, ऊपर राइट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे आप देखो तो साइड में आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपने फ़ोटो लगाया रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने टेस्ट लिखा हुआ है कि हार्दिक शुभकामनाएं या ये वाला टेस्ट, इसके बाद इसी को सेलेक्ट करके मैं एक ही ऑप्शन भी आ गया, इसके कॉपी ले लेता हूँ, एडिट के ऑप्शन भी आता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा गया इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी आपने जिसका फ़ोटो लगाया रहेगा यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, डन के ऑप्शन क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ, मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है। साइज़ में बड़ा कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ पे इधर पर ला के सेट कर दे रहा हूँ। अभी आप इसमें कोई दूसरा फ़ोन भी सिलेक्ट कर सकते हो, फ़ोन के ऑप्शन भी आगे मैं आपको फ़ोन चेंज करके अभी नहीं दिखा रहा हूँ, आप सेलेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, अब उसके ऊपर आप देखोगे शुभेच्छु करके लिखा गया है, तो वो जो टेक्स्ट लिखा गया उसी को यानी वैसा लिखने के लिए आपको इसी टेक्स्ट को कॉपी ले लेना होगा। एडिट के ऑप्शन पर जाना है, जो भी यहाँ पर लिखा गया उसको कट कर देना है और यहाँ पर आपको लिख लेना है शुभेच्छु करके। तो चलिए जैसे मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा देता हूँ शुभ, और यहाँ पर शुभेच्छुक यहाँ पे लिखा मैंने, डन के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे साइज़ में इसका छोटा करके इसको मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से कर सकते हो। बाकी नीचे आप देखोगे सोशल मीडिया का नाम लिखा गया है, तो मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ और यहाँ मैं उसी फोल्डर में चले जाता हूँ। यहाँ मैंने आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक का सबका आइकन दे दिया हुआ है, जिससे मुझे फेसबुक का लगाना है, तो मैं फेसबुक का ओपन करता हूँ, नीचे राइट के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, साइज़ में छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे जूम का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके मैं इसको जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जूम के ऑप्शन पर वापस से क्लिक कर दे रहा हूँ, ये जो PNG है फेसबुक का इसको मैं साइज़ छोटा करके इसको यहाँ पर नीचे लाता हूँ कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर जो है प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पर टेक्स्ट लेने के बाद मैं एडिट के ऑप्शन पर आता हूँ, यहाँ पर जो भी लिखा गया इसको मैं कट कर देता हूँ। अभी मेरा फेसबुक पर जो भी नाम है यहाँ मैं वो नाम लिख लेता हूँ, नाम लिखने के बाद यहाँ पर मैं जो है अपना डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ, साइज़ में छोटा कर लेता हूँ, यहाँ मैं इस टेक्स्ट को लाके सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी आप इस टेक्स्ट में शैडो दे सकते हो, स्ट्रोक दे सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो दे सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट थोड़ा सा उठ के नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर शैडो के ऑप्शन इसको इनेबल करता हूँ, और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का शैडो डाल देता हूँ, और यहाँ पर आउटर को कोई भी इनेबल कर देता हूँ, और यहाँ पर ब्लर को कम कर देता हूँ, और ऑफसेट वाइक यानी ऑपेसिटी का जो ऑप्शन है उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो अभी मेरा थोड़ा सा टेक्स्ट दिख रहा है ऊपर में, जूम के ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके इसको मैं पहले जैसा कर लेता हूँ, जूम के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा बैनर है इसको मैं थर्ड ऑप्शन में जाकर इस यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो देखोगे मेरा कुछ इस तरीके से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं का बैनर बना के कम्प्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपने गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना का बैनर डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो है कुछ टेक्स्ट लिख के नहीं दिखाया, तो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख के दिखा दिया, ये वाला लिख के दिखा दिया हुआ है, तो आप जो अपने हिसाब से लिख सकते हो। कलर जो भी पसंद है आपको वो कलर अपने हिसाब से दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप जो है गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं का बैनर बना सकते हो। पासवर्ड 4, तो जाइए दोस्तों अभी बनाइए। चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।